दो पंक्तियों से शुरू करता हूं, आप तक पहुंचे तो मुझे बताना कि किसी में ज्यादा डूबोगे तो टूटना पड़ेगा, किसी में ज्यादा डूबोगे तो टूटना पड़ेगा, ये उस बेजान बिस्किट ने मुझे बतलाया। नमस्कार, नमस्ते, मेरा नाम राघव है, मैं बिहार से हूँ, वहाँ शराबबंदी होगी इसलिए मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो दो पंक्तियां शराब पे सुनाता हूँ आपको कि खूब समझने लगी है वो शराब मुझे उस बेवफा के जाते हुए, खूब समझने लगी है वो शराब मुझे अब उस बेवफा के जाते ही, पहले नशा दिया करती थी अब सुकून दे रही है, पहले नशा दिया करती थी अब सुकून दे रही है। और अभी क्या था, मैं कॉलेज टाइम में था तो मैं इश्क पे वैसे लिखता नहीं हूँ, क्योंकि इश्क पे क्या होता है हमारा कटता है वैसे, ठीक है। और क्या हुआ कि मैंने एक लड़की को प्रपोज किया अपने कॉलेज लाइफ में, उसने मुझे तुरंत ब्लॉक किया व्हाट्सएप पे से। फिर हम जैसे बंदे क्या करते हैं, जो व्हाट्सएप पे ब्लॉक होते हैं फिर वो यूट्यूब पे जाके लिखते हैं सर्च में हाउ टू अनब्लॉक योर सेल्फ फ्रॉम व्हाट्सएप। तो प्यार व्यार कुछ नहीं है यार, सब ऐसे ही कट रहा है सबका। मुझे अब ऐसा लगता है कि दिल्ली मानो वैष्णो देवी हो गई है, एक कटरा वहां है और एक हमारा यहाँ दिल्ली में कटता है, ऐसा मुझे लग रहा है यार, ठीक है। तो मैं इस पे लिखता नहीं हूँ, हालांकि मैंने शराब पे बहुत लिखी है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पैसे वालों को भी रोते देखा है साहब, मैंने पैसे वाले को भी रोते देखा है साहब, और शराब खाने में दो घूंट पीते उस गरीब को बादशाह होते भी देखा। और अब एक दो दो लाइनें आपको सुनाता हूँ, फिर अपना अपनी जगह लूंगा। कई बार क्या होता है, जब आप घर में होते हो, सारे घर के मेंबर्स होते हो, फिर भी आप लगते हो आप कहीं ना कहीं अकेले हो, क्योंकि वो आपकी बात समझते नहीं। उस समय मैं लिखा था कि ये घर की दीवारें मुझे अब अपनी सी लगती है, ये घर की दीवारें मुझे अब अपनी सी लगती है, ना जाने क्यों घर के ये लोग मुझे पत्थर से लगते हैं। बहुत कुछ चाहकर भी ना बोल पाता हूं मैं, इस लाखों की भीड़ में खुद को अकेला सा पाता हूं मैं। मेरी आंखों में गम देखकर ये दीवारें तो रो देती हैं, मेरी आंखों में गम देखकर ये दीवारें तो रो देती हैं, मगर घर वाले हमेशा मुझसे पूछते हैं कि तेरी सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगती है। सो जाता हूं सहमा सा रात को सारे गम दीवार पे लिख कर, सो जाता हूं सहमा सा रात को सारे गम दीवार पे लिख के, मैं चैन से सोता रहता हूं, दीवार पूरी रात रोती रहती है, ये घर की दीवारें मुझे अपनी सी लगती है, ना जाने क्यों घर के ये लोग मुझे पत्थर से लगते हैं। और पिता पे मैंने दो लाइनें लिखी थी, मैं सुना दूं आपको, कि जलेबी सा मीठा है, जलेबी सा मीठा है मगर उलझा सा है, जलेबी सा मीठा है मगर उलझा सा है, बस ऐसा ही रिश्ता मेरे और मेरे पिता का है, ऐसा ही रिश्ता मेरे और मेरे पिता का है। धन्यवाद।